एक महान रहस्य प्रकट होता है पार्ट 2। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के लिए धन्यवाद दें। यदि आनंद देने का कोई कारण नहीं आता है तो आपका दोष है। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और उनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्ड द विची, प्लोटो, शेक्सपियर, ईसप, ब्लैक, इम्सन, डैक्स, पाउंड, देकांत, लिंकन, युग, न्यूटन, आइंस्टीन और बहुत सी अन्य हस्तियां हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीकों को बदल कर रख दिया, और जब उनसे उनके विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टीन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टीन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन की हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले, और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल, आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। मेरी खोज, मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नज़रअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसे होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देता, हाँ, निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता, जब कोई मेरे लिए दरवाज़ा खोलता है या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है तो मैं उसे धन्यवाद देता हूँ। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं था। मैं यह जानता ही नहीं था कि सचमुच कृतज्ञ होने के लिए क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौक़ों पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहलाता। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में था जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करता था, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रहा था। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ था, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाता था, और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियाँ घेर लेती थीं। जब मैं अपने साथियों के साथ कहीं बाहर जाता था या छुट्टी मनाता था, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करनी की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रहा था, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए था। एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक, और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी तो कई अन्य समस्याएँ आ थमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन को, हर चीज़ को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया, और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगा।
परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आज़ाद हुआ और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों के को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गईं। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रहा। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीज़ों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगा जितना कि 20-25 साल की उम्र में करता था। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतना खुशी अधिक खुश महसूस कर रहा हूँ जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं था। मैं परम आनंद की अवस्था में था। जीवन में सबसे अधिक खुश कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। आगे सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।